अंकिता लोखंडे ने की विक्की और दिमाग के मकान वाले कंटेस्टेंट्स की तारीफ। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को लेकर कही ये बात। वेल, सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला अंकिता लोखंडे दिमाग के मकान में खानजादी अरुण, सना, विक्की, अनुराग के साथ बैठकर बातचीत कर रही होती है, जहां पर अंकिता साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि उन्हें दिमाग मकान के कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि अरुण, तहलका, विक्की, अनुराग और सना के सामने वो खुलकर बातचीत कर सकती है। उनके मन में जो कुछ भी है वो यहाँ पर खुलकर कह सकती है, जो वो अब अपने कमरे में नहीं कर पा रही है। वेल, यहाँ पर अरुण कहते हुए नजर आए कि वो इस शो में आने के बाद बहुत ही ज्यादा शांत हो चुके हैं। उन्होंने अपने वर्ड्स और एंगर पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। विक्की की भी अंकिता जमकर तारीफ करती है। वहीं अंकिता लोखंडे, अनुराग, सभी खानजादी को ये समझाते हुए नजर आते हैं कि वो जिस तरीके से शो छोड़कर और क्विट कर जाने की बातें करती हैं, वो उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फैंस जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे कि खानजादी इस तरीके से बार बार शो क्विट करना चाहती है। वेल, खानजादी ये कहती हुई नजर आई कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, और बाहर क्या कुछ चल रहा है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता और घर के बाकी कंटेस्टेंट शो के एक्सटेंड होने के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, जहां पर अरुण से खानजादी ये पूछती हुई नजर आई कि ये शो कब तक चलने वाला है। इस पर अंकिता कहती है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते तो शो एक्सटेंड होगा, क्योंकि बिग बॉस आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। एज अ व्यूअर मैं ये चीज बता सकती हूँ। वेल, यहाँ पर कंटेस्टेंट्स के बीच में एक्स कंटेस्टेंट आसिम, रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी बातचीत देखने को मिली। अंकिता कहती हुई नजर आती है कि आसिम रियाज शो में आए थे तब उनके ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वो गेम अच्छी खेलते गए और जिस तरीके से उन्होंने शो में अच्छा करना शुरू किया तो उनके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ने लगे, और जो शो के मेकर्स हैं वो इस तरीके से बायस नहीं हो सकते, उन्हें भी हिसाब देना होता है, और इसीलिए वोटिंग के आधार पर ही किसी भी कंटेस्टेंट को ये शो जिताया जाता है। वेल, आपका अंकिता लोखंडे की दिमाग के कंटेस्टेंट्स के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।